नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं थ्रेसर। और थ्रेसर में आपको पूरी कलेक्शन हम फटाफट से बताएंगे। यहाँ पे आपको सेकेंड हैंड भी थ्रेसर मिलेगा। सबसे पहली बात आप समझिए, 10,000 रुपये देकर आप थ्रेसर को बुक कर सकते हैं, क्योंकि आज जो आपको प्राइस मिलेगा, अब आज के बाद प्राइस बढ़ने वाली है। ये लास्ट वीडियो आपको थ्रेसर का कम प्राइस के साथ मिलने वाला है, फिर बढ़ जाएगा। 10,000 देकर आप बुक करा सकते हैं। इसके अलावा पुराने दो थ्रेसर दिखाएंगे, जो एक को कबाड़ी के कीमत में मिलने वाला है। मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बुलाना चाहता हूं मिथिलेश सर से। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक धीरज जी। सर आज हम कौन कौन सी थ्रेसर किसान भाइयों के लिए देने वाले हैं, और पुराने क्या कुछ थ्रेसर भी है हमारे पास? देखिए आज के डेट में मेरे पास पुराना थ्रेसर भी है और नया में सारे लेटेस्ट हैं और नया वर्जन के साथ में है जी। इसमें कम डीजल में और कम पावर में थ्रेसर को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, वो सारा थ्रेसर मेरे पास रेंज अवेलेबल है। बिल्कुल, तो किसान भाइयों आपको लेकर चलता हूँ सबसे पहले पुराने थ्रेसर की ओर। तो सबसे पहले हम आपको जो दिखा रहे हैं वो पुराना थ्रेसर, जिसे नया अगर आप लेंगे तो 2.5 लाख या 2 लाख में मिलेगा। लेकिन सर इसकी क्या मॉडल है और डिमांड क्या कर रहे हैं आप? ये 2019 का है, मल्टी क्रॉप डबल व्हील के साथ है, न्यू विश्वकर्मा करके जी। ये थ्रेसर कस्टमर को मात्र 80,000 पड़ रहा है। ठीक है सर। और मल्टी क्रॉप के किट के साथ, मल्टी क्रॉप किट के साथ किसान भाइयों 80,000 में ये थ्रेसर आपको मिलने वाला है। कलर थोड़ा फीका जरूर दिख रहा होगा, लेकिन कंडीशन लोहे की यकीन मानिए बहुत शानदार आपको मिलने वाला है। एक बार आप आकर देख लीजिए किसान भाइयों। और एक और भी थ्रेसर है पुराना, उसके बाद हम नए की ओर जाएंगे। ये कौन सा थ्रेसर है सर, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? ये संजीवनी करके थ्रेसर है जी। इसमें भी डबल व्हील लगा हुआ है और ये टोटल 5 पंखे में है। ठीक है सर। और मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, ये कस्टमर को मात्र 1,00,000 रुपये पड़ना है और 2020 का थ्रेसर है। 20 का थ्रेसर में किसान भाइयों कंडीशन सही में बहुत बेहतर आपको देखने को मिलेगा। 1,00,000 रुपये में 2 लाख का थ्रेसर आप ले जा सकते हैं कंप्लीट। इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको नए थ्रेसर की ओर। बहुत सारे थ्रेसर हैं मार्केट में जो छत्तीसगढ़ में सेल किए जा रहे हैं, लेकिन गिल कंपनी में क्या कुछ बेहतर है वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। पहला चीज़ सर, इसमें जो चेकर चद्दर आता है वो तो क्वालिटी आप दे ही रहे हैं इसमें। उसके अलावा वारंटी की पॉलिसी है वो भी काफ़ी बेहतर है, और किसानों की सबसे बड़ी जो फायदा है वो सब्सिडी आप तत्काल देने वाले हैं सर। बिल्कुल, सब्सिडी माइनस करके ही कस्टमर को थ्रेसर मिलना है। ठीक है सर। तो रेट काफ़ी चीप रहेगा जी और क्वालिटी बेस्ट रहेगा। अभी हमारे पास कितने थ्रेसर हैं सर स्टॉक में? हमारे पास अभी 130 थ्रेसर है जी। हाँ, अभी जिस थ्रेसर के सामने अपन खड़े हैं ये कल का लॉट है, कल उतरा हुआ है जी। और थ्रेसर अभी डेली जा रहे हैं, क्योंकि रेट अभी जो है वो शायद सीजन में कस्टमर को ये रेट नहीं मिलना है। और रही बात क्या इस समय लेता है, तो कस्टमर के पास एक ऑप्शन रहता है देखने समझने जानने के लिए, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है कि वो जानकारी ले थ्रेसर के बारे में, समझे, उसके बाद डिसीजन ले। बिल्कुल। और किसान भाइयों आप 10,000 रुपये भी देते हैं तो उतना में ही आप अपने लिए थ्रेसर बुक करा सकते हैं, भले आप सीजन में लेकर जाइए, लेकिन अभी के लिए ये लास्ट प्राइस है सर, इसके बाद प्राइस बढ़ने वाले। बिल्कुल, सीजन में प्राइस बढ़ना है क्योंकि अभी सामने सीजन है। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर जो कस्टमर फाइनेंस पे अगर थ्रेसर लेना चाहता है वो भी एक ऑप्शन है, कि इस समय क्या होता है थोड़ा सा डिमांड कम रहता है तो फाइनेंस भी इजी तरीके से कराया जा सकता है। एक तीसरा ऑप्शन ये रहता है, कई किसान क्या होता है पुराने थ्रेसर रखे रहते हैं जिसकी पैरा कैपेसिटी कम होता है, पास गिराता है, तो भी एक्सचेंज का भी एक ऑप्शन मिल जाता है उनको, वो भी इस समय वो चाहे तो ऐसा एक्सचेंज करके थ्रेसर ले सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक स्पेशल थ्रेसर दिखाने वाले हैं। अभी तक आपने देखा होगा 3 पंखा 5 पंखा 7 पंखा 8 पंखा, अब एक थ्रेसर यहाँ पे आया है जो 9 पंखे के साथ में है। कुछ अलग ही तरीके से कंपनी ने उसे डिजाइन किया है, वो भी हम आगे दिखाने वाले हैं। इसके अलावा किसान भाइयों इसमें जैसे कि आप मेंशन भी किया गया, आप देख सकते हैं वहाँ पे मिसाइल मास्टर मॉडल भी लिखा हुआ है, जो बाकी थ्रेसर एक खेत या थोड़ा पास ही में फेंक पाते हैं, ये थ्रेसर की क्वालिटी है कि बहुत लंबे दूर तक आपका पैरा फेंकेगा। उसके अलावा इसमें जो क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, अगर जाली ख़राब हो गया तो सिंगल व्यक्ति ही, अकेला बंदा इसका जाली बदल सकता है, क्योंकि यहाँ से ऑपरेट के लिए इसमें जगह अलग से बनाया गया है। उसके अलावा भी अगर आप अचड़ी वगैरह भी हटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसे आप खोलकर सुपर से या फिर आप डाल सकते हैं, जिससे अचड़ी निकल जाएगी। अगर थ्रेसर हार्वेस्टर वगैरह चलाने के बाद भी अगर कुछ भाग रह जाता है तो उसमें भी आपका थ्रेसर काम आने वाला है। एलिवेटर वाला थ्रेसर, बहुत सारे वैरायटी अब थ्रेसर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के अलावा इसमें कलर मॉडल भी काफ़ी सारा अब गिल कंपनी देना शुरू कर दिया है। वारंटी की जो पॉलिसी है सर, वो अभी क्या हम दे रहे हैं किसान भाइयों को? देखिए कंपनी का जो वारंटी पॉलिसी है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल पॉलिसी है जी। वो इतना ईजी पॉलिसी बोला जाएगा, जैसे क्या होता है थ्रेसर जो होता है लगभग 2-3 महीने का ही काम रहता है जी। हाँ। तो अगर मान लीजिए इस दौरान किसी प्रकार का मशीनरी जैसे बेरिंग हुआ, बेल्ट हुआ, ये टूटता है
तो कस्टमर को आने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर हमारी प्रायोरिटी यही रहता है कि हम उसे घर तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँच करके वहीं पर मशीन चालू हो जाए। ठीक है सर। तो इस टाइप का रहता है, वारंटी भी जैसे टायर में है, एक सीजन का बकायदा टायर में भी वारंटी मिलेगा जी। हाँ। प्लस इसका एक्सल हुआ, हब हुआ, बेरिंग हुआ, ये सब में ऑलरेडी कंपनी ने एक सीजन का वारंटी पॉलिसी रखी हुई है, वो 100% रिप्लेसमेंट के साथ। सर मैं पहली बार अगर थ्रेसर ले रहा हूँ, मुझे थ्रेसर के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर आप कैसे मुझे बताएंगे क्या करेंगे? देखिए, कोई भी कस्टमर अगर पहली बार थ्रेसर ले रहा है या मेरे यहाँ से पहले भी थ्रेसर रखा है या नया परचेज कर रहा है, तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि कंपनी जब भी थ्रेसर कस्टमर को देती है तो पहला इंस्टॉलेशन कंपनी के टीम द्वारा ही कराया जाता है, जिससे कस्टमर को ये नॉलेज हो जाता है कि थ्रेसर को कैसे ऑपरेट करना है, अगर इसमें अचड़ी आ रहा है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, छन्नी के स्पीड को कितने में रखना चाहिए कि उसको उसको सही तरीके से धान की क्वालिटी मिल जाए, ये सब सारा चीज़ जानकारी कस्टमर को स्टार्टिंग के डेट पे हमारा कंपनी के टीम ही के द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल, जो एक ईजी उनको ऑपरेट के लिए एक साधन मिल जाता है। उसके अलावा भी किसान भाई, अगर आप मल्टीपल टाइप का फसल के लिए भी लेना चाहते हैं तो सर के पास मल्टी क्रॉप थ्रेसर आपको देखने को मिल जाएगा, पेडी थ्रेसर भी मिल जाएगा, और इसमें जो है डबल लोहे के चक्के इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि आप सामने यहाँ पे लोहे के चक्के दिख रहे हैं। बाकी सब थ्रेसर में आपको सिर्फ सिंगल ही लोहे के चक्के देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वाले गिल के थ्रेसर के सभी मॉडल में, चाहे आप 3 पंखा लीजिए या फिर 9 पंखे में, सभी में आप लोहे के चक्के डबल आप देने वाले हैं। उसके अलावा भी किसान भाइयों, काफ़ी अच्छी ब्रांड कंपनी है, पंजाब की मेक है और पंजाब से बनाकर यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग द्वारा लाया जाता है। और सर के पास अगर आप चाहते हैं डीलर भी, डीलर के रूप में रहना, कि अगर 5 थ्रेसर या 10 थ्रेसर लेना चाहते हैं तो वो भी सर आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। इस थ्रेसर को यूज़ करने के लिए आपके पास अगर 35 HP का भी ट्रैक्टर है तो पर्याप्त है, क्योंकि उसमें लोड नहीं आने वाला, माइलेज भी काफ़ी अच्छा है, आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपने अभी तक जो फैन देखा होगा, सिंगल, डबल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा और अब 8वां और 9 पंखे यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे कि जो धान की क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। अभी तक आपने सिर्फ 7-8 तक ही मैक्सिमम देखे होंगे, लेकिन अब पहली बार आपको 9 और 10 भी पंखे पता नहीं अब भविष्य में आने वाले हैं, तो वो सारे चीज़ आपको इस थ्रेसर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें और क्या कुछ क्वालिटी आप किसान भाइयों को दे रहे हैं सर? सर ये थ्रेसर में कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। एक तो इसका हापर का डिज़ाइन आप देखिएगा। ठीक है सर। तो ज़्यादातर जो मार्केट में कंपनियां काम कर रही थ्रेसर में, उनका हापर फ्लैट होते हैं जी। हाँ। उसमें हल्का पुश करना पड़ता है पैरे को। ठीक है। इसमें आप सिर्फ फेंकते जाइए ऑटोमेटिक खींचेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउन पोजीशन पे बनाया हुआ है जी। हाँ। तो इसमें ज़्यादा एक तो मेहनत नहीं लगेगा, आप फेंकते जाइए पैरा खींचते जाएगा, ये एक इजी शिफ्टिंग में ये कर दिया है। इसके अलावा क्या है, इसमें फैन की संख्या बढ़ाने का रीज़न ये था कि पैरे को और ज़्यादा दूर कितना फेंक सके जी, उसके लिए इसमें फैन की स्पीड को ही बढ़ा दिया है। ठीक है। तो एक वो भी उनको बेनिफिट मिलना है, दूसरा ये, और तीसरा इसमें जो जाली सिस्टम भी जो दिया हुआ, ड्रम जाली चेंज करने का, मल्टी क्रॉप थ्रेसर है तो वो भी एक इजी शिफ्टिंग, इसमें जाली डालने का एक सिस्टम दे दिया है, प्लस एक पैडी क्लियर और डाला हुआ है। ठीक है। इसमें जो अचड़ी पार्ट होता है उसको भी आसानी से यहाँ से फिल्टर किया जा सकता है। फिल्टर किया जा सकता है। उसके अलावा भी किसान भाइयों, अगर आप बेल्ट, पुल्ली या फिर बेरिंग की ओर भी देखेंगे तो काफ़ी आपको हेवी ड्यूटी इसमें आपको मटेरियल यूज़ किया हुआ है ऐसा देखने को मिलेगा, ताकि आपको लंबे समय तक इस्तेमाल भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला। गिल एक पंजाब की कंपनी है जो काफ़ी बेहतर मानी जाती है, ये सब एक्सपेरिमेंट और नए नए आविष्कार अगर आप जानते ही हैं तो पंजाब में सबसे ज़्यादा किया जाता है, और उनके पंजाब का जो प्रोडक्ट है वो कृषि विभाग में काफ़ी सक्सेस भी रहता है। इसकी हम प्राइसिंग को लेकर बात करें सर, तो कैसे आपको किसान को देने वाले हैं? ये थ्रेसर जिस थ्रेसर के सामने अपन खड़े हैं जी, उसका मात्र 2,20,000 रुपया रेट है। ये 9 पंखे वाली, 9 पंखे में 2,20,000 रुपये में। अगर इसी थ्रेसर को कोई मल्टी क्रॉप पे लेना चाहता है, जिसमें पांचों फसल लेना चाहता है, गेहूँ, चना, सोयाबीन, तिवरा, धान, तो 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा किट होता है। अगर कोई कस्टमर इसी में एलिवेटर का ऑप्शन लेना चाहता है तो 20,000 रुपये का एलिवेटर है जी। वो जैसा रिक्वायरमेंट उनको है उस हिसाब से थ्रेसर का रेट किया जाएगा इसमें। तो ये जो आप प्राइसिंग बता रहे हैं सर, ये सब्सिडी इसमें आप छूट देंगे कि सब्सिडी? सब्सिडी काट करके है, सब्सिडी के बाद जी। यही सब थ्रेसर मतलब 2.5 लाख के आसपास की? बिल्कुल है, जिसमें आपको सब्सिडी काट के मात्र 2,20,000-30,000 में आप देने वाले हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे आपको कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप थ्रेसर के अलावा भी ट्रैक्टर से चलित कुछ इम्प्लीमेंट भी लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों, वो भी पूरी रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। मिथिले सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी अच्छा आपने यहाँ पे किसान भाइयों को सुविधा दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।